हेलो फ्रेंड्स मो नमिता हंडीसाला चैनल को अपन को बहुत बहुत स्वागत रेसिपी स्टार्ट करबा गुरु अपन मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो तो पाखरे दिवा छोटो बेल आइकन को क्लिक करन तो नुआ नुआ रेसिपी जानिया पे आज मो विंटर स्पेशल गाजर हलवा प्रिपेयर कर छी चालन तो देखिबा कोन से प्रिपरेशन करिया पड़ी भाई हलवा बनिया पे मो एठी गोटे किलो गाजर को ग्रेट करकी रखी छी 2 लीटर मो फुल क्रीम मिल्क नै छी हाफ कप मु घीयो नै छी किछि काजू को चॉप करके रखी छी आ आलमंड रो को मु बतुरे की तार चोपा छोड़े की तको चॉप्ड करके रखी छी आ 1 कप चीनी नै छी चीनी अपन स्वाद अनुसार यूज करन दो आमे प्रथमे गोटे बड़ कढ़ाई रे 2 लीटर खीर पकेबा अपन टिके बड़ बासन यूज करले भलो कारण खीरटा अपन को उतरी जाई पारे आ बड़ बासन रे अपन भलो से कुक करि परबे वर्तमान खीर को आमे लो मीडियम फ्लेम रे टिके समय पे फुटे देबा मझे मझे रे एहा को गोळे दउथबे गोळेबा द्वारा अपन को खीरटा बहुत जल्दी गरम हि जिवो वर्तमान अपन देखि परथबे खीरटा भलो भाबरे फुटी आसलेनी वर्तमान आमे धीरे धीरे करिकि सब गाजर पकाइ देबा वर्तमान गाजर को खीर सहित बहुत भल भाव मिक्स कर दबा वर्तमान गाजर और खीर को आम लो मीडियम फ्लेम रे कुक करिबा स्टार्ट करिबा आउ एहा को मझे मझे गोळी भी दउथिबे आपण देखि परथिबे 15 मिनिट्स परे गाजर हलवा एमती देखा जाउची या को एबे धीरे धीरे गोळे देबा आ जत्ते खीर जको साइड रे सर भले लागि जाउथबे ताको आपण कोरी कोरी की बाहर कर दउथबे आपण जेमिति राबिडी बनांती खीर को मारी मारी सेमिति एटा खीर को आ गाजर को फुटी फुटी की पूरा सुखिए देबे आ सब खीर रो स्वाद खीर रो राबिडी अंशटा आ खुआ अंशटा पूरा गाजर सहित लागि जिवो एमती धीरे धीरे अराउंड 1 आवर लागिवो एटा भले से कुक होवा पई अगेन आम 15 मिनिट पर्यंत कुक करवा 15 मिनिट पर मु नेक्स्ट फेज देखी गाजर हलवार कंडीशन केमती रहिबो अगेन मु आपन को 15 मिनिट पर खीरर मिक्सर कंडीशन टा देखौछि देखंतु धीरे धीरे केमती सर बसी आछि एमती गोळी गोळी दउथिबा मझि मझि रे आउ खीर को उतरी की बाहरिया को देबिनि नले सर जक आपन को बाहरि जिवो जदि आपन खीर को बहुत शीघ्र मारिया को चाहूँ या राबड़ी कंडीशन को आने को चाहूँ देन खीर को आप हाई फ्लेम रे नले मीडियम फ्लेम रे कुक करूँ बट गैस पाखे आपन को कंटिन्यूसली छिड़ावा को पड़ो खीरटा धीरे धीरे मरिया को टाइम लगे बेले बेले खीरटा बाहर को भी आई पारे जिते लो फ्लेम रे आप कुक करेंगे गाजर हलवा से टेस्ट हे गाजर भी बहुत भल भाव मिक्स बहुत भल भाव सीझी भी जीव आपण तार गाजर हलवार टेस्ट भी पूरा खुआ भाया लगे यही मिल्क मिक्सर को मो 1 आवर लो मीडियम फ्लेम रे कुक कला यार कंडीशन टा फाइनली एमती आसला आपण देखि परथिबे खीरटा अलमोस्ट मरी सालानी वर्तमान मो ई गाजर हला को गोटे नॉनस्टिक कड़े को ट्रांसफर करछि आपण चाहिले सेम कड़े रे भी बनई परिबे आपण देखि परथिबे ए जो टेक्सचर टा आसीछि मते 1.5 घंटा लागिले एति टेक्सचर को आनिया पे मु बहुत जन को देखी जी गाजर हलवा बनैया पे से माने 1-1 डे नहीं जानती कारण बहुत समय तो आप खीर पाखे जगे खीर को छिड़ाई पारे नहीं गैस पाखे से माने किसी समय कुक करते देन गैस बंद करके रखि दिखते एगेन ताको बॉइल कर करके गोटे आ 2 दिन भितर गाजर हलवा पूरा पूरी कंप्लीट करती आउ ये गाजर हलवा बहुत टेस्ट लगे गोटे आंटी ठार ये रेसीपी नहीं आईटा रियली कौन चीज असम टेस्ट लगे आप थोड़े ट्राए करूँ आप फिडबैक् मो सहित निश्चित सेयार करूँ लोक चाहिए प्रेसर कुकर में भी गाजर हलवा बनाती मिल्क मेड यूज करके भी गाजर हलवा बनाती पर आर टेस्टा बहुत असम लगे कारण यार पूरा नेचुरली मिल्क रे बनुची आउ आपको प्रेसर कुकर में कमी बनाती मिल्क मेड भी यूज करके गाजर हलवा बनाती से सब रेसीपी आप सहित सेयार करें बट टे टाइम लगे गाजर हलवार थिकनेसटा एमती बेलू आम स्वाद अनुसार चीनी पकईकि भल भाव मिक्स करदे चीनी पकेला परे आमे एही मिक्सर को हाई फ्लेम रे कंटिन्यूसली 15 मिनिट पर्यंत कुक करिबा
ଏହାକୁ ମଝି ମଝିରେ ଚଲାଉଥିବେ, ଚଲାଇବା ବନ୍ଦ କରିବେନି କାରଣ ଆମେ ଚିନି ପକାଉଛେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଜର ହାଲୁଆଟା ତଳେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏହାକୁ ଚଲାନ୍ତୁ। ଏହାର ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ଗାଜର ହାଲୁଆରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେମିତି ବନେଇବେ ଗାଜର ହାଲୁଆର ଟେଷ୍ଟଟା ସେମିତି ହିଁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କୁକ୍ କଲା ପରେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ପୁରା ଥିକ୍ ହେଇଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ 1/2 କପ୍ ଘିଅ ପକାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଘିଅ ପକାଇଲା ପରେ ଗାଜର ହାଲୁଆର ବାସ୍ନା ଘର ଯାକ କମ୍ପିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମୁଁ ରିଏଲି କହୁଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନରେ ମୁଁ 10 ଟାଇମ୍ସ ଗାଜର ହାଲୁଆ ବନାଏ। ଏଇଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ୱାନ୍ସ ଏଇଟା ଗାଜର ହାଲୁଆ ବନିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ 1 ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ମଝି ମଝିରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଗରମ କରିକି ଖାଇ ବି ପାରିବେ, କାରଣ ଘିଅରେ ଗାଜର ହାଲୁଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗାଜର ହାଲୁଆ ବିଲକୁଲ ବି ଖରାପ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଘିଅ ପକାନ୍ତି ତା'ର ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଭାଜିବାର ଅଛି। ଏହାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିକି ଭାଜିଦେଲେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ବନିବନି। ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 20 ମିନିଟ୍ସ ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଜିବା। ଏଇ ଭାଜୁଥିବା ମଝିରେ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ସହିତ ଭାଜିବା। ଆଗରୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଭାଜିକି ରଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବେ। ବଟ୍ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଘିଅରେ ଭାଜିବେ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ଘିଅ ସହିତ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଲମଣ୍ଡକୁ ପାଣିରେ ବି ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ବେଶୀ ହାର୍ଡ ରହିବନି, ଆରାମସେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ସହିତ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଜର ହାଲୁଆର ମଏଶ୍ଚର୍ଟା ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଘିଅରେ ପୁରା ଭଜାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଜର ହାଲୁଆରୁ ଟିକିଏ ଘିଅ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଜର ହାଲୁଆ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିନା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡରେ ବି ଏହାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡର ଫ୍ଲେଭର ଦରକାର ଦେନ୍ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସରି। ଆମର ଗାଜର ହାଲୁଆ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ବି ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ 7-8 ଡେଜ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଗରମ କରିକି ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେନ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।